ग्राउंड पीछे आपके पास शाम को शाम को प्रशांत भाई वो तो अनप्लान ही था ना, ये तो आपको भी पता ही रेडी रेडी सर जो इनका आर्मी का कैरियर है उससे ड्रॉप नीचे फेंकते हैं, इन गाड़ियों को रास्ता नहीं चाहिए, ये पैराशूट से ड्रॉप होती है, पैरामिलिट्री भी वो पैरा वाले भी चार सफारियों को मतलब कितनी पावर रखती थी पुल करने, मतलब ट्राला लगा लो खेती बाड़ी के लिए भी ट्रैक्टर रख लो ये छोटा मोटा। आई एम संजय महाजन MD AM ग्रुप। तो ये आई एम थैंकफुल टू मिस्टर तौफीक हु हैज ऑर्गेनाइज सच अ वंडरफुल थिंग। सो दिस विल बी अ स्नो एक्सपीडिशन एंड ऑल द व्हीकल्स विल बी गोइंग टू टूरिज्म प्लेसेस लाइक भद्रवाह किश्तवाड़ एंड दे विल बी एक्सप्लोरिंग वेयर एवर देयर विल बी स्नो। सो दे विल टेक ऑल दीज व्हीकल्स देयर एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड इट स्टार्ट्स टुडे एंड finish on the 28th of February, so they'll be back by 28th after exploring all the beautiful places in our Jammu region which have never been explored before. So and I request the government also to just have a look at all these places and try and develop these places which are more beautiful, if not equivalent maybe, or maybe equivalent if not more beautiful than the other parts of the country. So a government should really explore these things and develop the all these destinations. Thank you. जी क्या तैयारी की गई है इस राइड को लेकर भद्रवाह में? देखिए पहले तो हम ये कहूँगा कि हम शुक्रगुजार हैं अजलान स्पोर्ट्स क्लब का और निर्वाणा स्क्वाड का जिन्होंने ये अहतमाम किया है कि यहाँ से ये सफारी भद्रवाह लीजिए आए, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से और हम टूरिज्म की तरफ से काफ़ी सहयोग मिला है इसके लिए और भद्रवाह डेवलपमेंट के लिए टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए ये फर्स्ट कदम जो इन्होंने उठाया हम इनका शुक्रगुजार हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे कदम ये रोज़ उठाएं क्योंकि हमारे जैसे कि आपको पता कि जम्मू खित्ते में हमारे पास कितनी डेस्टिनेशंस हैं ऐसी जो अनएक्सप्लोर हैं और आज तक किसी ने कोई उनको डेवलप करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है और ये पहला कदम उठाया है उन्होंने तो हम इनका वेलकम करते हैं और हम इनको अपनी म्यूनसिपैलिटी की तरफ से अपने भद्रवाह के लोगों की तरफ से वहाँ पर वेलकम करेंगे और उनका रहने का जो भी लॉजिस्टिक है उसका हमने सारा अरेंजमेंट किया है उनको देंगे वहाँ पे और हम चाहेंगे कि आइंदा भी ऐसी जो रैलीज होंगी या जो भी टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए कदम उठाए जाएंगे उनका वेलकम किया जाएगा। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर शाहिद मुगल हूँ, मैं प्रेसिडेंट भद्रवाह म्यूनसिपल कमेटी। मेरा नाम तौफीक मुगल है, जैसे आप लोगों को पता है मैं 2008 से JNKU रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मोटर स्पोर्ट्स में ऑल ओवर इंडिया। मैंने काफ़ी बड़े ब्रांड्स के लिए ड्राइव किया हुआ है नेशनल रैली सर्किट्स में। अब आप लोगों को पता है कोविड की परेशानी की वजह से थोड़ा सा साल से सारे एक किस्म के तंग आ गए और काफ़ी चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस थी, अभी रिस्ट्रिक्शंस खुली हैं तो हमारे जम्मू खित्ते में काफ़ी ऐसी जगहें जो अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं की है
और हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है कि अपना मतलब काम के बगैर हम अपना थोड़ा सा टाइम निकाल रहे हैं फ्राइडे सैटरडे संडे, जिसमें किसी को भी तकलीफ़ ना हो, जो क्योंकि लोग ऑफिस गोइंग हैं, नौकरी पेशा है, तो ये दौरान हमारे साथ वो जम्मू को एक्सप्लोर करें, क्योंकि कश्मीर आपको पता है कश्मीर को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उधर ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है पहले से। अब जम्मू खित्ते में इतनी जगहें हैं, भद्रवाह हो गया, वाड़वन हो गया, पुंछ रजौरी हो गया, क्या बोलते हैं अपना कुठवा हो गया, कुठवा में अपना सरथल आ गया, जो अभी भी डिस्कवर नहीं किया गया है, अनएक्सप्लोर है। तो हमारा इनिशिएटिव यही है कि हम भी जम्मू कश्मीर में जम्मू को ज़रा उभारें, क्योंकि जम्मू के ऊपर अब नज़र ज़रूरी है टूरिज़्म खित्ते की डलवाने की, क्योंकि हमारा 24/7 12 महीने हर एक टूरिस्ट स्पॉट हमारा जम्मू खित्ते का खुला होता है, सिर्फ रास्ता दिखाने का है। वही हमने इनिशिएटिव लिया इस बार, भद्रवाह से स्नो ड्राइव रखा है और इसका पंचलाइन हमने दिया है से नो टू ड्रग्स, क्योंकि आजकल यूथ का आपको पता ही है। अब हमारे साथ 18 गाड़ियां जा रही है और सारे माशाल्लाह रीजनेबल लोग हमारे साथ हैं। इसमें हमारे साथ ताउन किया है जेके टूरिज्म ने, सबसे ज़्यादा शुक्रिया हम सरमत साहब का करेंगे, और मानव साहब गोल्फ कोर्स जिन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। देन वी गो टू टाटा एम टाटा, संजय साहब, अंकुर महाजन, जिन्होंने हमारे में भरोसा किया और जिन्होंने हमारे को सपोर्ट दी कि हाँ जी अब आप जम्मू एक्सप्लोर करो। फिर अमेरिकन ब्रांड है पोलारिस, ये भी एक भरोसे से, बिकॉज मैं इनका लीड ड्राइवर था और मैंने 2018 में रेड द हिमालय इनके लिए जीती है, इन्होंने भी उसी भरोसे पे हमारे को यहाँ पे दिल्ली से अपनी 0 मीटर कार्ड भेजी है 4x4। सारा कोशिश यही है कि बाहर वालों को दिखाया जाए जम्मू में कौन कौन सी जगहें और कितनी खूबसूरत जगहें हैं। नो डाउट कश्मीर में खूबसूरत जगहें हैं, उसका कोई दो राय नहीं है, बट जम्मू भी कश्मीर के मुकाबले अगर देखा जाए उतना ही टक्कर देने वाला है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट रामबन, डिस्ट्रिक्ट रजौरी, पुंछ, इन जगहों पे आज तक मुझे नहीं लगता है कोई भी टूरिस्ट वैसे गया जैसे हम दिखाना चाहते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमारा एक बड़ा प्लान है, जैसे गोवा वोवा में म्यूज़िकल फेस्ट होता है, तो हम भी भद्रवाह में एक म्यूज़िकल फेस्ट जेके टूरिज़्म की तावन में इंशाल्लाह ये करेंगे। बाकी चेयरमैन म्यूनसिपल्टी भद्रवाह का, उनको भी हमने रिक्वेस्ट की थी, वो भी आए हुए हैं, उनकी वजह से, और खजूरिया साहब जो CEO हैं भद्रवाह के, उनका भी हमारे को बहुत अच्छा तावन है। अब उसके बाद आप उनसे भी थोड़ा सा बाइट ले लें, वो भी बताएंगे भद्रवाह में क्या है क्या नहीं है। थैंक यू। आज ऑफ लोडिंग ड्राइव जो जम्मू से भद्रवाह की तरफ जा रही है, जिस तरह की अभी बात चल रही है कि टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, बाहर से अगर कोई भी आता है तो सीधा कश्मीर जाने के लिए रुख करता है। जम्मू में ऐसी ऐसी जगह है जहां हम जाकर अपना समय भी बिता सकते हैं और हम इंजॉय भी कर सकते हैं, इसलिए ये आज जो रखा है ऑफ लोडिंग ड्राइविंग, जहां से जम्मू से जाएगी और भद्रवाह पहुंचेगी और वहां जाकर वहां करेंगे, और इसका सिर्फ मेन मकसद यही है कि हमारे यूथ जो नशे की ओर जा रहा है, एक तो उनको जो इंजॉय करने का समय मिलता है और ऑफ लोडिंग ड्राइविंग भी करते हैं, उसके साथ साथ ही जम्मू प्राविंस में जितने भी टूरिज़्म डेस्टिनेशन है हर जगह, जिस तरह हमारे सुचेतगढ़ में बॉर्डर टूरिज़्म है, बनी बिलावर में, ऐसी ऐसी जगह है जहाँ कोई जाता ही नहीं है, जिसका कोई अभी तक नाम ही नहीं है। बाहर से कोई भी आता है तो सीधा जम्मू आएगा, जम्मू से वैष्णो देवी जाएगा और सीधा श्रीनगर को रुख करेगा। और इस चीज़ के लिए प्रमोट करने के लिए, बताने के लिए कि जम्मू में भद्रवाह भी एक ऐसी वैली है जहां हर किस्म की एंजॉय करने के लिए, रहने के लिए, मौसम के लिहाज से हर फैसिलिटी, और वहां किसी स्पोर्ट्स के लिहाज से, किसी भी लिहाज से कोई काम नहीं है। इसलिए ये ऑफ लोडिंग जो ड्राइविंग करके इसको प्रमोट भी होगा और जो नौजवान है वो इंजॉय भी करेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि इसी तरह का ऑफ लोडिंग ड्राइविंग टूरिज़्म डेस्टिनेशन के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में, कश्मीर में तो है ही है लेकिन जम्मू में भी इस तरह के जो डेस्टिनेशन बने हैं उसको प्रमोट करने के लिए इस तरह की ड्राइविंग, इस तरह के फंक्शन, इस तरह के जाने आने का और नौजवानों को एक समय बताने का, वो इंजॉय करने का भी मौका मिलता है। नहीं तो नौजवान आज जो करते हैं, आपको भी पता है, हम सबको भी पता है कि जिस साइड पर जा रहे हैं उन साइड से हट के अपने जो जीवन, अपना जो
लाइफ इंजॉय करने के लिए उस तरह के ऑफ रोड ड्राइविंग जिसका आज ये शुरुआत जहाँ जम्मू से जहाँ गोल्फ कोर्स से जाएगी भद्रवाह को। शमसर, आए दिन आप देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं महंगाई को लेकर, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आता क्या?